और पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अब तेज कर दी है, लिहाजा पुलिस बॉर्डर को ऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही है। आज कोटद्वार में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बिजनौर के पुलिस अधिकारियों के साथ होगी, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में वांटेड अपराधियों की लिस्ट आपस में साझा की जाएगी और चुनाव को लेकर आपसी तालमेल पर चर्चा भी होगी। इससे पहले देहरादून में भी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है, जिसमें हिमाचल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। वहीं नैनीताल जिले में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग प्रस्तावित है, तो अब एक दूसरे बॉर्डर के जो पुलिस है तो आपस में बातचीत कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। इसे लेकर अब तैयारी तेज कर दी गई है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 2024 का चुनाव अब बिल्कुल निकट है, ऐसे में पुलिस की तैयारियां शुरू हो गई है, बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कहां कहां कौन सी बैठक हुई है और किस तरह की बातचीत जो अलग अलग स्टेट है उनके बीच की पुलिस के बीच में? लगता है सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 2024 का चुनाव अब निकट है, पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तालमेल किस तरह से बिठाया जाए इसको लेकर अब अलग अलग स्टेट जो कि एक दूसरे की सीमा से लगते हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। आज कोटद्वार में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो रही है, बिजनौर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में वांटेड अपराधियों की लिस्ट भी आपस में साझा की जाएगी और चुनाव को लेकर आपसी तालमेल पर भी चर्चा हुई। इससे पहले देहरादून में भी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें हिमाचल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। वहीं नैनीताल जिले में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग प्रस्तावित है और यहां पर भी चर्चा होगी। तो अब पुलिस की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जो जो राज्य चाहे वो हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड से लगते हैं, उनके बीच में बातचीत हो चुकी है। कुछ दौर की बातचीत पुलिस की पहले ही अलग स्टेट की पुलिस से हो चुकी है बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की टीम के साथ, लेकिन कुछ अभी और प्रस्तावित है मीटिंग पुलिस वालों के बीच में। इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, पुलिस वालों की मीटिंग चल रही है, जो जो उत्तराखंड से बॉर्डर स्टेट्स के लगते हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है, किस तरह की बातचीत है, किस तरह का आदान प्रदान 2024 के इलेक्शन को लेकर पुलिस की तरफ से? बिल्कुल नीलू, अब आगामी कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको लेकर जोरों से पुलिस अभी मीटिंग का दौर पुलिसों का चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, कोई आपराधिक गतिविधियां या अपराधी जो लोग टाइप के जो लोग हैं वो चुनाव को प्रभावित न करें, जिसको लेकर पुलिस की मीटिंग का दौर अब शुरू हो गया है। अगर हम बात करें दो दिन पहले की, तो दो दिन पहले देहरादून के IG गढ़वाल ने यहाँ पर मीटिंग ली थी, जिसमें हिमाचल के सिरमौर और शिमला के जो अधिकारी यहां पहुंचे थे, साथ ही उसमें यूपी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के भी जो पुलिस अधिकारी वो यहां देहरादून पहुंचे थे, और आपस में ताल एक कोऑर्डिनेशन के तहत किस तरीके के बॉर्डर चेकिंग होगी, कहां कहां CCTV लगेंगे, किस तरीके के अपराधी जो उत्तराखंड से यूपी या हिमाचल से उत्तराखंड और यूपी से उत्तराखंड आ सकते हैं, उसको लेकर एक बृहद एक प्लान तैयार किया। इसी को लेकर एक लगातार मीटिंग का दौर शुरू हो गया आज कोटद्वार में, जिस तरह की मीटिंग हो रही है। और अब इसके बाद सबसे अहम जो मीटिंग मानी जा रही है वो कुमाऊं मंडल की मानी जाएगी, क्योंकि कुमाऊं में जो जिस तरीके से हल्द्वानी में जो घटना घटी है उसको लेकर एक जो वहाँ बॉर्डर जो मीटिंग होगी वो एक अहम मीटिंग होगी, क्योंकि वहाँ जो यूपी के जो लगे जो इलाके हैं या यूपी से सटे जो जिले हैं उनको लेकर एक मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर भी तैयारियाँ पूरी चल रही है। जी ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लैंसडाउन के कैंट एरिया में लगे डॉपलर रडार का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू डॉपलर रडार का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद होंगे। किरेन रिजिजू दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो बायरोड लैंसडाउन पहुंचेंगे। तकरीबन 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री लैंसडाउन पहुंच जाएंगे, इसके बाद वो डॉपलर रडार का उद्घाटन करेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। डॉपलर रडार मौसम की सटीक जानकारी देगा, जिससे बादल फटने जैसी तमाम प्राकृतिक घटनाओं आपदाओं से बचा जा सके। जैसे अभी भी समय पे चेतावनी देता है कि कब बारिश हो रही है, कब बर्फ हो गई, कब मौसम कैसे रहेगा, बादल, ये सब चीज़ों की, लेकिन इसके कारण और जानकारियां प्राप्त होंगी, तो बादलों का फटना,
मौसम ये सब चीजें तो बहुत तीव्रता जल्दी से ये जानकारी देगा बताएगा। और कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, डॉपलर रडार अपने आप में उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर मौसम के लिहाज से। आज इसका उद्घाटन करने किरण रिजिजू पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच जाएंगे और कितनी देर रुकने वाले हैं यहां पर? देखिए, तकरीबन 2 बजे जो किरण रिजिजू जो हैं वो लेजडाउन में पहुंचेंगे। सांसद तीरथ सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और डॉपलर रडार जो तीसरा रडार है उत्तराखंड में, जो 3 सैंक्शन हुए थे केंद्र सरकार की ओर से लेजडाउन में, उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। और काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये एरियल डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो रुद्रप्रयाग और चमोली तक की जो सटीक जानकारी है, क्योंकि रुद्रप्रयाग और चमोली भी अपने आप में एक क्रुशल जिला माना जाता है, जहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस एरिया को भी ये कवर करेगा। और इसके साथ ही लेंसडाउन, जहाँ पर गढ़वाल की छावनी है गढ़वाल राइफल्स की, इसके अलावा यमकेश्वर हो गया, दुगड्डा हो गया, जहाँ पर बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है पिछले सालों में, हमने देखा बरसात में, तो वहां पर अब जिस तरीके से सटीक जानकारी डॉपलर रडार देगा वो अहम हो जाता है। और एक बड़ी जो उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए कि यहाँ पर जो लेंसडाउन है वहां पर डॉपलर रडार मिल रहा है, और आज से उसका शुभारंभ किया जाएगा। तीसरा रडार ये उत्तराखंड का है, तो पूरे इलाके को एक जो मौसम की जो सटीक जानकारी है वो इस रडार के जरिए मिल पाएगी। मौसम विभाग की जो टीम है, विशेषज्ञों की जो टीम है, वो भी आज मौके पर मौजूद रहेगी। और इसके अलावा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो खुद यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रडार काम कर रहा है, कितनी सटीक जानकारी ये दे रहा है। तो काफी अहम आज का दिन माना जा रहा है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन तक देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। क्लस्टर प्रभारियों से लेकर मूचों तक की मीटिंग ली जाएगी और साफ तौर पर बताया जाएगा कि पार्टी के एजेंडे में महिला वोट बैंक है। इसी को लेकर केंद्र से स्टेट लेवल तक आने वाले दिनों में बीजेपी बड़े महिला सम्मेलन करने जा रही है। पदयात्रा से लेकर स्कूटी रैली भी की जाएगी और प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल की 2 बड़ी मीटिंग होनी है। हल्द्वानी और हरिद्वार में इस मीटिंग को रखा जाएगा। अब 28 को जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। आज हमारे सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, गांव चलो अभियान हो, दीवार लेखन हो, बूथ प्रबंधन के विषय, उन सब विषयों पर कार्यक्रम के संयोजित रिपोर्ट रखी गई। आगामी दिनों 15 मार्च तक के कार्यक्रम का हमने शेड्यूल तय किया है, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम वो भी जुड़ा हुआ है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि उत्तराखंड में भी महिला उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी सीट से दावेदारी की और उम्मीद है कि स्क्रीनिंग के नाम जाने के बाद उन्हें पौड़ी सीट से टिकट मिलेगा। उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस ने किसी भी महिला उम्मीदवार को आज तक लोकसभा में टिकट नहीं दिया। वहीं ज्योति रौतेला ने दावेदारी के समर्थन के लिए अलका लांबा का शुक्रिया अदा किया। भागीदारी न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रहे। ये अन्याय है, ये धोखा है महिलाओं के साथ। लागू हो जाता तो 24 के इन्हीं लोकसभा चुनाव में 180 बहनें देश के चुनाव में लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, जिससे वंचित रखा गया है। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आवाज, आपकी लड़ाई मैं मजबूती से लड़ूंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप पौड़ी लोकसभा से चुनाव लड़ें। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस बार पेश होने वाला बजट करीब 89,000 करोड़ का होगा। कुछ विभागों के बजट में कटौती होगी तो कुछ विभागों को ज्यादा पैसा बजट से मिलेगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार का इस बार का बजट गरीब, किसान, महिला और युवाओं को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है। पर्यटन और तीर्थाटन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का जोर रहने वाला है, लेकिन इस बार ऐसे विभागों के बजट में बड़ी कटौती होने वाली है जो समय पर खर्च नहीं कर पाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, एनसीसी, एक्साइज जैसे डिपार्टमेंट, उनको मिले बजट का 1% भी खर्च नहीं कर पाए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को 236 करोड़ का बजट मिला, लेकिन विभाग मात्र 7 करोड़ ही खर्च कर पाया। विधानसभा अपने 8 करोड़ के बजट में से सिर्फ 1 करोड़ खर्च कर पाई। सिंचाई विभाग 736 करोड़ के अपने बजट में से सिर्फ 175 करोड़ ही खर्च कर पाया।
बजट खर्च करने में सबसे टॉप पर रहा लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो विभाग उसमें अच्छा नहीं कर पाए थे उसमें हमने फिर उनके बजट में इस बार हमने कहा भी था और हम कर भी रहे कि उनके बजट को जो उन्होंने अपेक्षा की है उन अपेक्षाओं के नाते हम लोग उनको बजट नहीं देंगे। यदि आप सही में बजट खर्च नहीं कर रहे तो हम आपके बजट में कटौती करेंगे, वो हम कर रहे हैं। को आपस में मर्ज करके और किस प्रकार से विभागीय ढांचे को विभागों का पुनर्गठन से उस ढांचे से हमको हमारा वो भी बढ़े, प्रभावशाली हो, साथ साथ उसमें इकोनॉमी भी हो, दोनों चीजें। जो विभाग 11 महीनों में एक पाई तक नहीं खर्च कर पाए ये देखा जाता है कि मार्च फाइनल में इन विभागों का पूरा बजट खपा दिया जाता है। वित्त विभाग ने हालांकि हर 3 महीने में विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने की बात कही थी लेकिन ये बात भी धरातल पर नहीं उतर पाई। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात। और पौड़ी की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को जनता सड़कों पर उतर आई और इन समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए जनाक्रोश रैली निकाली। पौड़ी की व्यापार सभा ने भी रैली को अपना समर्थन देते हुए बाजार को पूर्ण बंद रखा। वहीं सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग, व्यापार सभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, पलायन होने के कारण और पर्यटन की दृष्टि से विकास ना होने के कारण व्यापार पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने 3 दिन के अंदर समस्या के समाधान की चेतावनी दी है। अस्पताल से लेके सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, अस्पतालों में जो है कि अच्छे डॉक्टर नहीं है, पीपीपी मोड पे अस्पताल को दे दिया गया है। जब हम लोग जिला अस्पताल था इससे पहले थोड़ा ठीक था, बहुत अच्छी सुविधाएं तब भी नहीं थी, लेकिन आज की समस्याएं बिल्कुल ही उसके विपरीत हो गई है। 3 दिन के अंतर्गत इन समस्याओं का समाधान प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तो 25 तारीख से यहाँ पे एक कार्मिक आंदोलन यहाँ पे आहूत किया जाएगा। लगभग 30% व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुका है। इसी संबंध में जो एक जन आक्रोश रैली थी हमने इसको समर्थन दिया था और जो हमारी मांगे थी वो इसमें उठाई गई हैं। और बद्रीनाथ धाम में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हुई है। धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है जिस मास्टर प्लान के कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। प्रशासन का प्लान था कि मार्च के पहले हफ्ते में मास्टर प्लान के काम किए जाए लेकिन अभी बर्फबारी के बीच मास्टर प्लान के काम शुरू होना संभव नहीं लग रहा है। फिर भी प्रशासन का दावा है कि सड़क मार्ग खोलने के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे ताकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक कामों को लगभग पूरा कर दिया जाए। वहीं पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। व्यास, दारमा और मिलम घाटी में करीब 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बंद हो गई है। साथ ही बॉर्डर के इलाकों में रहने वालों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इन इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी के कारण निचले हिस्सों में भी शीतलहर के जनजीवन अच्छा खासा प्रभावित किया है। कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे आ पहुंचा है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण पानी के स्रोत पूरी तरह से जम गए हैं। और साल 2024 की चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए ऋषिकेश में यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभागों की संयुक्त मीटिंग हुई जिसमें यात्रा से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई। सड़कों के निर्माण 15 अप्रैल तक पूरे करने होंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में साल दर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जिससे क्राउड मैनेजमेंट सहित ट्रैफिक व्यवस्था, रोड एक्सीडेंट और पार्किंग व्यवस्था को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए पुलिस ने यात्रा मार्गों पर 4000 जवानों की व्यवस्था की है। मुख्य रूप से 5 चीजों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। एक तो पूरे यात्रा रूट की जो सड़कें हैं ये किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक बिल्कुल चाक चौबंद हो जानी चाहिए। पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं जनपद रुद्रप्रयाग ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में अचानक मौसम बदल गया और बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हुई जिससे किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं।
पर्यटन विभाग की तरफ से होने वाले योग महोत्सव का आयोजन इस बार 15 से 21 मार्च तक ऋषिकेश में किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी दी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम 26 फरवरी से शुरू होंगे। इसको लेकर बागेश्वर में सभी परीक्षा प्रभारियों की बैठक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बुलाई। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बाघ और गुलदार को संरक्षित सूची से बाहर करने की मांग की है। उत्तरकाशी में बीजेपी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए संपर्क करेगी। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पौड़ी के हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में एनएसीसी की टीम आते ही छात्र संघ नेताओं ने कॉलेज में तालेबंदी कर दी और कॉलेज परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री ने विकसित भारत मेगा प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और स्वदेशी उत्पादों की जानकारी ली और कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार में आंगनबाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर है। लक्सर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पौड़ी के विकास खंड कलजीखाल की बीडीसी मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख बीना राणा ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को पहाड़ के हर घर तक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। रुद्रप्रयाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।